कानपुर में डीजल चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला बिल्हौर थाना क्षेत्र का है, जहां बेखौफ बदमाश डीजल चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं और पुलिस बदमाशों को पकड़ने में नाकामयाब नजर आ रही है। दरअसल गुरुवार की रात को धर्मकांटे पर खड़े ट्रक से बदमाश डीजल चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे, जो पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पास से गुजरते हुए व्यक्ति ने जब इस वारदात को देखकर विरोध किया तो बदमाशों ने उस तमंचे के नोक पर बंधक बना लिया। बाद में डीजल चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सुबह क्या देखा था कि चार पहिया से गाड़ी से आए हम जाने की ड्राइवर लोग तेल निकाल ले अब कही दे चोरी एक हमारे गले में लगा दिए पेटीएम का सीधे खड़े रहे हो क्या लगा दिया तमंचा। अच्छा तो वो क्या कर रहे थे डीजल निकाल रहे थे। लगभग कितनी गाड़ियों का तेल निकाल लिया है यहाँ तो अभी हाथ दो ही थी। वहीं जब इस मामले में एसपी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि डीजल चोरी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है, जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी कुछ मीडिया कुछ पोर्टल्स में इस तरह की खबर चल रही है, प्रभारी निरीक्षक वहाँ पे जाके इसकी देख रहे हैं और आसपास की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो हम लोग कठोरतम कार्रवाई करेंगे। अभी जिस ट्रक से घटना बताई जा रही है उसके मालिक ट्रक लेके चले गए हैं, उनसे भी संपर्क का प्रयास किया जा रहा है। सर वहाँ पर अगर देखा जाए बिल्लौर की बात करी जाए तो वहाँ पे अक्सर रात में ऐसे ट्रक खड़े होते हैं और ऐसे ही वहाँ पर डीजल चोरी का अक्सर ये मामला प्रकाश में आया है। देखिए अभी तक हमारे संज्ञान में इस तरह की बात नहीं लाई गई है। अगर पूर्व में उन्होंने कोई चौकी इंचार्ज से शिकायत की होगी और नहीं की होगी तो उसको हम लोग देखेंगे। जिसके पहले थाना महाराजपुर क्षेत्र में इस तरह की घटना में पकड़े गए हैं कुछ लोग, उसमें भी हम लोग देख रहे हैं। हालांकि पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने की बात तो कही, पर देखना ये होगा कि पुलिस कब तक बदमाशों को पकड़ पाती है और इन चोरी की वारदात पर लगाम लगा पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।